सब्सक्राइब कीजिए न्यूज स्टेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट मूवीज और अन्य अपडेट के लिए। दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सिंगर्स में शामिल हैं जिनके गानों के बगैर हर शादी हर पार्टी अधूरी सी लगती है, और उनके गानों के बोल ही कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारे पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। आज के समय में लोग उनके हर गाने के दीवाने हैं और यही वजह है कि उनका गाना रिलीज होने के बाद से टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर सिंगर रैपर और फिल्म एक्टर योयो हनी सिंह का असल नाम हृदय सिंह है, और भले ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से की थी लेकिन वह आज के समय में पूरे बॉलीवुड में लोकप्रिय हैं और भारतीय संगीत में रैप के जरिए रिवॉल्यूशन लाने का भी श्रेय हनी सिंह को ही जाता है। साथ ही वह आज के समय में बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। हालांकि दोस्तों इस मुकाम को हासिल करने के लिए हनी सिंह को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और किस तरह से पंजाब के एक छोटे से शहर में जन्मा यह लड़का पूरी दुनिया में अपनी संगीत से राज कर रहा है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1983 से, जब पंजाब के होशियारपुर के एक सिख परिवार में हनी सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सरदार सरबजीत सिंह और माँ का नाम भूपिंदर कौर है। आगे चलकर हनी सिंह जब छोटे थे तभी उनका परिवार होशियारपुर से दिल्ली रहने चला गया, और हनी सिंह को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था, इसीलिए वह अपने स्कूल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अक्सर पार्टिसिपेट भी करते थे, और स्कूल के टाइम से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें संगीत की दुनिया में ही जाना है। अपनी शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद वह यूके चले गए, जहां पर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई की और म्यूजिक के हर उन बारीकियों को सीखा जो कि आगे चलकर उन्हें फेमस बनाने वाली थी। और यूके में ही रहते हुए हृदय सिंह ने अपना नाम योयो हनी सिंह कर लिया, जिसका मतलब होता है आपका अपना हनी सिंह। यूके से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हनी सिंह वापस इंडिया आए, और अब वह म्यूजिक के क्षेत्र में अपने कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि इससे पहले वह खुद की एल्बम बनाते उन्होंने दूसरे आर्टिस्ट के लिए कई बार म्यूजिक कंपोज किया, साथ ही कई सिंगर्स के गानों में अपनी शानदार रैप का तड़का भी डाला। उन्होंने पहली बार 2005 में बेल सिंह के साथ पेशी गाने में म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया, और फिर इसके बाद से वह ज्यादातर गानों में रैप करते हुए ही दिखाई दिए। हनी सिंह का 2006 में अशोक मस्ताई के साथ आया गाना ग्लासी के लिए उन्हें ETC अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड मिला, और इस तरह से धीरे धीरे यूथ में वह अपनी पहचान बनाते जा रहे थे। और फिर आगे चलकर रीबर्थ, द नेक्स्ट लेवल, लॉकअप और द बिगनिंग जैसे एल्बम्स आने के बाद हनी सिंह पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। हालांकि हनी सिंह को सबसे बड़ी कामयाबी मिली नवंबर 2011 में, जब उनका एल्बम इंटरनेशनल विलेजर्स रिलीज किया गया, और यह एल्बम बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। इसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी, और यहीं से यूथ की जुबान पर हनी सिंह का नाम रट सा गया। उनके गाने हर पार्टी हर फंक्शन में सुनने को मिल रहे थे। साथ ही इस एल्बम का गाना हाई हिल्स और ब्राउन रंग एक साथ यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर थे। 2011 में ही शकल पे मत जा फिल्म से हनी सिंह ने बॉलीवुड में भी एंट्री ली, और 2012 में कॉकटेल, खिलाड़ी 786, रेस 2 और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में गाना देने के बाद से हनी सिंह की फैन फॉलोइंग हिंदी गाने को पसंद करने वाले लोगों के बीच भी कई गुना बढ़ गई। हालांकि इसी साल वह अपने लिरिक्स की वजह से थोड़े विवादों में भी रहे, और 6 महीनों तक दिल्ली के कोर्ट में उन पर केस भी चला, लेकिन उसे भी बहुत ही आसानी से जीतकर हनी सिंह बाहर आ गए। और फिर 2014 तक हनी सिंह एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग देते रहे और लोगों के दिलों पर राज करते रहे, लेकिन 2015 में इक्का दुक्का गाना आने के बाद वह अचानक से 18 महीनों के लिए गायब हो गए। और दोस्तों हनी सिंह जब इंडस्ट्री से गायब हुए तब वह अपने करियर के शिखर पर थे, और उनके इंडस्ट्री से जाने की वजह बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि 18 महीनों के बाद 2016 में हनी सिंह ने वापसी तो जरूर की, लेकिन कुछ समय के बाद वह दोबारा से गायब हो गए। लेकिन एक बार फिर से 2018 में सोनू के टीटू के स्वीटी मूवी में दो जबरदस्त गाने देकर उन्होंने अपनी वापसी का संदेश अपने फैंस तक पहुंचाया। और दोस्तों हनी सिंह कई मूवीज में अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं, जिनमें मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी, द एक्सपोज और जोरावर जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही वह टीवी शो इंडियाज रॉयल स्टार में बतौर जज भी नजर आ चुके हैं। पर अगर उनके पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने 2012 में शालिनी सिंह नाम की एक लड़की के साथ शादी की। तो दोस्तों यह थी कहानी हम सबके फेवरेट सिंगर योयो हनी सिंह की।
जिन्होंने रैप को भारत में एक अलग ही पहचान दिलाई है। और हनी सिंह ही वह सिंगर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को संगीत की दुनिया में आने के लिए इंस्पायर किया है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।